गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं, शुरुआत करते हैं बिहार के प्राइम टाइम। डॉक्टरों का 8वें दिन हड़ताल जारी, पीएमसीएच में अब तक 11 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में 31 जनवरी तक बढ़ाई जाएगी कोरोना की गाइडलाइन, नए स्ट्रेन को लेकर नीतीश सरकार अलर्ट। राजनाथ सिंह ने फिर से चीन को चेताया, बोले हमें जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। झंझारपुर नगर पंचायत को नगर पार्षद बनाने की मांग, जदयू नेता रंजीत झा ने डीएम को लिखा पत्र। 1000 से अधिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट का फोल्डर गायब, 1600 नियोजित इकाइयों पर केस। पटना में एक्टिव है मानव तस्कर गिरोह, टेलर मास्टर के दुकान से हाथ पैर बंधे दो बच्चियों को किया गया बड़ा। पटना में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ा, लंदन से आने वाली यात्रियों से फैल सकता है संक्रमण। बिहार के लोग ले सकेंगे थाईलैंड के बैर और वियना के अमरूद का स्वाद। नवादा में नक्सली पैर पसार रहे हैं, आदिवासी युवाओं को जोड़ रहे हैं संगठन। सरकारों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी की घोषणा के बाद सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, सरकारों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए एक बड़ी घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा है कि पत्रकारों को अगर धमकी मिली तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, साथ ही 50,000 जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें दो कदम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, प्रदेश के पत्रकारों की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए सीएम शिवराज चौहान ने इस कदम से सूबे के पत्रकारों में राहत की सांस ली है। नक्सली संगठन रजौली और सिरदला थाना क्षेत्र में अपने पांव पसारते हुए अपने अस्तित्व को बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं। जंगली क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय के युवाओं को संगठन में जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर कई स्तर पर उनका ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। बिहार के लोग जल्द ही थाईलैंड के बैर और विनिया के अमरुद का स्वाद ले पाएंगे। जिले का नवगछिया केलांचल और मकलांचल की खेती से प्रसिद्ध माना जाता था, लेकिन अब यहाँ नारंगी मौसमी सेब व थाईलैंड के बैर की खेती भी शुरुआत हो चुकी है। हो जाएं सतर्क, पटना में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ गया है, लंदन से आने वाले यात्रियों से फैल सकता है संक्रमण। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से 20 लोग संक्रमित मिले हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर देश भर में ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने RT-PCR जांच कराने की बात कही। पटना में मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हो रहा है, पटना में दो मासूम बच्चियां मानव तस्कर गिरोह के हाथ लगने से बाल बाल बच गए हैं। दोनों बच्चियों को पटना के चांदमीर रोड में एक टेलर मास्टर के 24 घंटे से अपनी दुकान में बंद कर रखा था, जिसको पुलिस ने छुड़ा लिया है। निगरानी जांच टीम को राज्य के 45,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट का फोल्डर मिल गया है। प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक 45,300 सर्टिफिकेट का फोल्डर गायब हो चुका है, जिसमें 1600 नियोजित इकाई पर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई। झंझारपुर नगर पंचायत को नगर पार्षद बनाने की मांग हो रही है। युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव रंजीत कुमार झा ने मधुबनी के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर झंझारपुर नगर पंचायत को नगर पार्षद में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया। नए स्ट्रेन को लेकर नीतीश सरकार अलर्ट, कोरोना वायरस के नए संक्रमण को लेकर अलर्ट हो चुके हैं लोग, क्योंकि भारत में भी नए स्ट्रेन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मिलने लगी है। बिहार में भी गृह विभाग ने कोरोना वायरस की गाइडलाइन को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है, सरकार की ओर से आदेश जारी कर दी गई। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गई है, लगातार 8वें दिन जारी हड़ताल के कारण राज्य में मेडिकल कॉलेज से पलायन जारी है, तो वहीं सबसे ज्यादा पीएमसीएच में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। पीएमसीएच में हड़ताल के दौरान लगभग 11 मरीजों की मौत हो चुकी है।
नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787, 7325052437।